आज मम्मी पापा जी के साथ रियल में एक्टिंग आपने किया, और रियल क्या कहना चाहेंगे जब रियल में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे पापा से पूछना, पापा आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। डरे नहीं? हाँ, थोड़े भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मम्मा आप डरे कि नहीं? बहुत ज़्यादा। तो मम्मी पापा को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा डर लगा लेकिन अच्छा बहुत लगा। फिल्म एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा छपी रहती है, जो चीज़ पर्दे पर आ गई वो चीज़ अमर हो जाती है। सो आई थिंक इस फिल्म की मेमोरीज हम लोग कई सालों तक लोग देख पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जनरेशन्स भी देख पाएंगे। मतलब यादें हमेशा ताजा रहेंगी। हमेशा यादें बनी रहेंगी। मैम कैसा तैयार किया मम्मी पापा के साथ? तैयार नहीं किया, धमकी दिया दोनों को। मैंने बोला कि मैं फिल्म कर रही हूँ और आपको मेरा पापा और आपको मेरा मम्मी बनना है। फिर पापा तो बोले हाँ हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन मम्मी का पहले ही आ गया था कि नहीं मैं नहीं करने वाली। फिर बंदूक की नोक पर मैं मम्मी को लेके आई शूटिंग पे। तो कितना मस्ती हुआ सीन के दौरान? बहुत। एक्चुअली धीरज सर हमारे डायरेक्टर है, धीरज सर वही बता सकते। धीरज सर आइए ना, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है शूट फिल्म? ऐसा नहीं लग रहा है कि दो छोटे छोटे बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि पहली बार हम साथ में काम कर रहे हैं और मैम भी सर भी पहली बार कर रहे हैं, बट लग रहा है और दे आर एक्टर्स। अगर ऐसे डायरेक्टर हो तो हर इंसान एक्टर बन। अब आपको समझ में आया कि मेरे जीन्स में एक्टिंग कहाँ से आई, मेरे पापा और मेरे मम्मी की? वो मुझे देख के मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसके करो। मैम ने एक राज का भी खुलासा कर दिया कि एक्टिंग कहाँ से आया? एक्टिंग आया मुझे मम्मी पापा से। पापा भी फुल टाइम एक्टर है, मम्मी भी फुल टाइम एक्टर है। और अभी भी सीन में हमने कई सारे सीन किया जिसमें कुछ कुछ इंक्रीज करती है मैम इनके लिए, और सर भी करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करो। हाँ, इम्प्रोवाइज करके देते हैं मुझे कि ये तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा, तो ये आइडिया कहाँ से है सर कि रियल मम्मी पापा सीन में आने चाहिए? सर के मन में ये बात थी क्योंकि जो रोल हम तो सर ये मधुमती जो फिल्म है और मैम मधुमती के रोल में आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया फिल्म बन रही है और थोड़ा सा लीक से हटके पिक्चर है और लोगों को बहुत पसंद आएगी इसी मूवी। मैम आप क्या कहेंगे मधुमती आम्रपाली जी? अब मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, आई नो कि आम्रपाली सबसे पहले स्क्रिप्ट चुनती है, तो अगर आम्रपाली ने ये स्क्रिप्ट चुनी होगी तो डेफिनेटली इसमें एकदम। चलते चलते फिल्म के पोड़सा साहब के बारे में कुछ बोल दिया जाए। कहाँ है भैया? सर अमित भैया आइए ना, चॉकलेट खा रहे क्या? मैं सबसे पहले तो भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हम लोग ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में इस फिल्म को कितना दिन शूट करके आए हैं? ऑलरेडी हम 14-15 दिन वहाँ पर शूटिंग करके आए हैं। यहाँ पे मुंबई में हम चौथे दिन शूटिंग कर रहे हैं और 4-5 दिन शूटिंग बाकी है। और यू नो मेकर्स ज़्यादातर हमेशा चाहते हैं कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स
इतने इतने दिन में बन जाए, इतने इतने बजट में बन जाए, ऐसे ऐसे काम हो जाए। बट पहले दिन से अमर भैया ने एक ही बात कही है फिल्म को लेकर कि धीरज फिल्म अच्छी बनाओ, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी, सबसे पहले तुम फिल्म बनाओ। और इन्होंने इनके प्रोडक्शन में जितनी पहले भी फिल्में बनाई है, सारी फिल्में सारे गाने बहुत अच्छे रहे हैं, मेकिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते पीआरए फिल्म्स। तो मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ फिल्म को कि मधुमती जैसी स्क्रिप्ट पीआरए फिल्म्स के बैनर में बन रही है। और थैंक यू सो मच भैया इतना बड़ा कलेजा रखने के लिए, इतनी अच्छी फिल्म बनाने के लिए। थैंक यू। इनसे पूछिए इनको फिल्म कैसी लग रही है। जी, ये फिल्म तो बहुत अच्छी, और सबसे सपोर्ट अम्रपाली जी और धीरज जी का। इन लोगों ने जितना स्क्रिप्ट मेहनत किया शायद ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। अम्रपाली जी की खासियत है, हमने इनके साथ पहली फिल्म किया, लेकिन ऐसी एक्ट्रेस बहुत मुश्किल से मिलती है जो ये फिल्म की अपना ये नहीं कम एक्टिंग की और अपने घर चले गए, हर सीन में हर फिल्म के अंदर घुस की और डायरेक्टर को सजेस्ट करना ये चीज़ ऐसे है ऐसे करना है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। और सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग आज एक और फिल्म के यहाँ से हम लोग आज करने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं। तो मेरा न्यू ईयर गिफ्ट हो गया, न्यू ईयर आने वाला पहले गिफ्ट मिल गया मुझे। तो कब अनाउंस अभी कर रहे हैं कि बाद में? अभी आज ही करेंगे, आज ही करेंगे, बात करेंगे अगले बाइट में, अगले बाइट में हम लोग अनाउंस करेंगे। जी जी। और धीरज जी का बहुत सहयोग रहा और अम्रपाली जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।